हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ड्रीम सेपर्स। अभी कुछ दिन पहले की बात है, मैं इंदौर शहर गया हुआ था और स्टेशन चूँकि कुछ दूरी पर था और मुझे स्टेशन का आइडिया नहीं था, मैं पैदल ही जा रहा था। तो मैंने रास्ते में एक व्यक्ति मिला और उससे पूछा कि यहाँ से स्टेशन पहुँचने में कितना समय लगेगा, तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। मुझे थोड़ा अटपटा लगा, मैंने फिर से पूछा कि भाई स्टेशन पहुँचने में कितना समय लगेगा, उसने फिर भी कोई जवाब नहीं दिया। अब आप समझ सकते हैं कि अगर आप किसी से पूछ रहे हो कोई रिस्पॉन्स ना मिले, थोड़ा झल्लाहट हो जाती है। तो झल्लाहट में मैं फिर आगे बढ़ गया और मैंने कहा चलो आगे चल के देखते हैं, किसी और से पूछेंगे। जैसे मैं कुछ दूर गया, वैसे वो व्यक्ति चिल्ला के बोलता है, भाई साहब आपको स्टेशन पहुँचने में 10 मिनट लगेंगे। मैं रुक गया और वापस लौट करके आया उसके पास और मैंने कहा कि उससे पूछा कि अभी मैं आपसे पूछ रहा था कि स्टेशन पहुंचने में कितना समय लगेगा, आप कोई उत्तर नहीं दे रहे थे, अब जब मैं चल दिया तब आप चिल्ला करके बोल रहे हैं कि 10 मिनट लगेगा। तो उसने जो बात कही वो बहुत पॉइंट की थी। उसने बोला कि जब आप मुझसे पूछ रहे थे उस समय आप यहाँ पे खड़े थे, लेकिन जब आप यहाँ से चल करके जाने लगे तो मैंने आपको देखा, आपकी स्पीड को देखा और आपकी स्पीड के आधार पे मैं समझ पाया कि अगर इसी स्पीड से आप चलेंगे तो आप 10 मिनट में स्टेशन पहुँच जाएंगे। तो साथियों, इस कहानी को सुनाने का पर्पज क्या है? इस कहानी को सुनाने का पर्पज यह है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो तैयारी करने के लिए SSC की आते हैं, वो पूछते हैं कि अगर इंग्लिश मेरी कमज़ोर है तो कितना मेहनत करूं कि इंग्लिश मेरी ठीक हो जाएगी, 2 महीने में सही हो जाएगी, 3 महीने में सही हो जाएगी। कई अलग अलग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दावा करेंगे कि 3 महीने में आपका इंग्लिश एकदम मजबूत हो जाएगी, 2 महीने आप पढ़िए आपका सिलेक्शन हो जाएगा, 15 दिन पढ़ लीजिए आप एग्जाम निकाल लेंगे। लेकिन वास्तव में ये बातें गुमराह करने वाली हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात जो है उसे हम स्टेप वाइज समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपको क्या देखना है? सबसे पहले आपको देखना है नो योर लेवल, माने आप एनालिसिस करिए कि आपका लेवल क्या है, आप किस बैकग्राउंड से आए हैं। हो सकता है आप हिंदी मीडियम के बैकग्राउंड से आए हों, हो सकता है आप CBSE बोर्ड्स के बैकग्राउंड से आए हैं, लेकिन फिर भी आपकी इंग्लिश पे उतनी अच्छी पकड़ नहीं है। तो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि आप अपने लेवल को पहचाने कि मेरा जो प्रेजेंट इंग्लिश का लेवल है वो क्या है। दूसरा, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, क्या आपके स्ट्रांग पॉइंट है, क्या आपके वीक पॉइंट है। फॉर एग्जाम्पल, आप CBSE बोर्ड के स्टूडेंट हैं, आपका वोकैब सेक्शन ठीक है, आपकी अंडरस्टैंडिंग भी ठीक है, लेकिन ग्रामर पोर्शन आपका उतना अच्छा नहीं है, या हो सकता है आपका वोकैब पोर्शन भी उतना अच्छा ना हो, आपकी अंडरस्टैंडिंग ठीक हो, हो सकता है आप इंग्लिश बोलने में अच्छे हैं लेकिन ग्रामेटिकल चीज़ों को नहीं पकड़ पाते हैं, और जब आप क्वेश्चन करते हैं कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड वहाँ पर आपको दिक्कत होती है। तो जो सबसे पहला जो आपको समझने का प्रयास करना है वो अपने आप को जानना है कि वर्तमान में मेरा लेवल क्या है, मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी वीकनेस क्या है। और फिर अगले स्टेप पे जो आपको जानना है, व्हाट SSC एग्जाम्स डिमांड फ्रॉम यू, कि SSC की जो परीक्षाएं हो रही हैं उसमें जो इंग्लिश के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उन क्वेश्चन का लेवल क्या है, किस किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और उस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए आप अभी कितना सक्षम हैं, आपके बीच में और SSC के बीच में अभी कितना फासला है। ये जो फासला है ये डिसाइड करेगा कि आपको कितना समय लगने वाला है। मेरी बात फिर से समझिएगा, आपका प्रेजेंट लेवल और SSC के एग्जाम के बीच का जो फासला है वो डिसाइड करेगा कि आपको अपनी इंग्लिश इंप्रूव करने में और सिलेक्शन लेने में कितना समय लगेगा। कभी भी किसी की बात से, किसी की सलाह से गुमराह मत होइएगा। हर व्यक्ति अलग है, हर व्यक्ति की क्षमताएं अलग है, हर व्यक्ति का लेवल अलग है, और उसी के आधार पर वो ये चीजें निर्धारित करती हैं कि किसी कार्य को करने में उसको कितना समय लगने वाला है। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं, स्टेप 2। अब हम बात करते हैं कि SSC के एग्जाम में अगर आप नए हैं तो पहले ये समझने की कोशिश करें कि SSC के एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं, और आपको अपनी इंग्लिश इंप्रूव करनी है तो वहीं से आपको शुरुआत करनी होगी कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उस आधार पर फिर आपको अपनी प्लानिंग बनाने की आवश्यकता है। तो अगर हम देखें मोटा मोटा तो 3 टाइप से क्वेश्चन रहते हैं। पहला ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन है, दूसरा वोकैब बेस्ड क्वेश्चन है, और तीसरा कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चन है। ये आप भी जानते होंगे, ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन में आ गए स्पॉटिंग एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वोकैब बेस्ड क्वेश्चन में देखें एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स एंड फ्रेजेस, स्पेलिंग रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगर हम कॉम्प्रिहेंशन की बात करें तो पैसेज के क्वेश्चन, क्लोज टेस्ट,
और रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेज, इनके प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। लेकिन अगर हम थोड़ा इसको और डीप में देखें, आप थोड़ा एनालिसिस करिए कि अगर आप इंग्लिश का पेपर दे रहे हैं, पैसेज का कोई क्वेश्चन आपके सामने आ गया, तो आप कल्पना करिए कि पैसेज का क्वेश्चन करने के लिए पैसेज को पढ़ना है, समझना है, और उसके आधार पर आपको क्वेश्चन के आंसर देने हैं। और पैसेज तब तक आप नहीं समझ पाएंगे जब तक पैसेज पढ़ करके उसका सेंस ना निकाल लें, और सेंस निकालने के लिए आपको किस चीज़ की आवश्यकता होगी, उसके सेंटेंस को आप समझ पाएं, और सेंटेंस तब आप समझ पाएंगे जब आपको उसकी वोकैब और सेंटेंस के स्ट्रक्चर आपको पता होंगे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि चाहे पैसेज के क्वेश्चन हो या क्लोशेज के क्वेश्चन हो, क्लोशेज है, एक क्लोशेज पूछा गया है, उसमें चार ऑप्शन है, चारों वर्ड के ऑप्शन है, अब उसमें से कौन सा सही होगा, तो अगर आप मीनिंग नहीं निकाल पा रहे हैं और नीचे दिए हुए जो चार आंसर हैं उनमें शब्दों का सेंस आपको नहीं पता है, तो आप नहीं निर्णय ले पाएंगे कि कौन सा आंसर मेरे लिए बेहतर रहेगा। इसी तरह से रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेज है, मान लीजिए चार सेंटेंस आपको दिए गए हैं और उन सेंटेंस को एक सही क्रम में PQRS के आधार पर आपको सेट करना है, अगर आप सेंटेंस के सेंस नहीं निकाल पा रहे हैं तो हो सकता है यहाँ पर भी आपको दिक्कत का सामना करना पड़े। तो कहने का मेरा मतलब है कि कंप्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चन, ये जो सेगमेंट है ये भले हमने अलग पार्ट में डाला है लेकिन कहीं ना कहीं ये वोकैब पे आधारित है। अगर आपकी वोकैब स्ट्रांग है, थोड़ा सा आप रीडिंग कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चन करने में आपको आसानी होगी। और अगर नहीं भी आप कर पा रहे हैं और आपका वोकैब स्ट्रांग है, तो थोड़ा सा अगर आपको डायरेक्शन मिलेगा तो आप इन क्वेश्चन को कर ले जाएंगे। दूसरे तरफ देखते हैं ग्रामर के क्वेश्चन। अगर आप ग्रामर के क्वेश्चन देखें तो कुछ क्वेश्चन ग्रामर में रूल बेस्ड पूछे जाते हैं, माने आप सेंटेंस पढ़ रहे हैं उसमें कोई पर्टिकुलर रूल की एरर है, आपने तमाम रूल रटे हुए हैं या समझे हुए हैं तो आप उसको कर लेंगे। लेकिन कई क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग बेस्ड और वोकैब बेस्ड होते हैं, माने जहाँ पे आप सेंटेंस पढ़ रहे हैं अगर आप सेंटेंस के सेंस को समझेंगे तभी आपको एरर समझ में आएगी, आप सेंटेंस के सेंस को समझेंगे तभी आप उस क्वेश्चन को इम्प्रूवमेंट कर पाएंगे। या कई बार वोकैब आधारित क्वेश्चन होते हैं जिसमें चार ऑप्शन है, वोकैब आपको फिल करनी है या वोकैब की कोई एरर दी गई है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो ग्रामर में भी रूल बेस्ड क्वेश्चन को छोड़ दें तो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन और रूल वोकैब बेस्ड क्वेश्चन ये कहीं ना कहीं हमारे वोकैब पे आधारित हैं। तो इस तरीके से अगर हम देखते हैं ओवरऑल, तो SSC के एग्जाम में जो इंग्लिश से रिलेटेड प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसको भले हम तीन पार्ट में डिवाइड करें लेकिन वो तीनों पार्ट अगर किसी चीज़ पे आधारित हैं तो वो कौन सा है आपका, वोकैब। लेकिन यहाँ पे फिर मैं क्लियर करना चाहूँगा, वोकैब को आपको समझने की कोशिश करनी है कि वोकैब दो पार्ट में हमने डिवाइड किया है। पहला एक बेसिक पार्ट है जिसपे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वन वर्ड, इडियम एंड फ्रेजेज और करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। लेकिन दूसरा जो पार्ट है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो क्या है, वोकैब नीड्स टू अंडरस्टैंड पैसेज क्लोस्टेज, माने कि इंग्लिश को पढ़ते समय आपको इंग्लिश समझ में आए इसके लिए आपके पास एक बेसिक वोकैब होनी चाहिए, कुछ शब्दों का भंडार आपके पास होना चाहिए, और वो भंडार आपको अपने पास, वो कलेक्शन आपको अपने पास तैयार करना है और उसके लिए आपको वोकैब पे मेहनत करनी है। अगर आप पिछले सालों के क्वेश्चन देखें तो जो वोकैब पूछी जा रही है, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स या फ्रेज या प्रीपोजिशन, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, अगर आप जनरल लेवल पे इंग्लिश पढ़ रहे हैं, न्यूज़पेपर इत्यादि पढ़ रहे हैं और काम कर रहे हैं, तो कहीं कहीं आप इस तरीके के क्वेश्चन को करने में सक्षम हो पाएंगे। तो यहाँ इस बात को ध्यान देना है कि वोकैब से जो मेरा तात्पर्य एंटोनिम सिनोनिम से नहीं है, वोकैब से मेरा तात्पर्य है, एंटोनिम सिनोनिम तो है ही, उसका एक पार्ट है, लेकिन मेन तात्पर्य मेरा जनरल वोकैब से है, जो आप कोई भी चीज़ इंग्लिश की पढ़ते हैं, चाहे आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हों, एडिटोरियल पढ़ रहे हों, उसमें जो जनरल वर्ड्स आ रहे हैं या जो शब्द आ रहे हैं उस एक सामान्य शब्दों का भंडार आपके पास कितना है, ये चीज़ें डिसाइड करेंगी कि आप कितना सफल हो पाएंगे इंग्लिश में। तो इस तरीके से इस पूरे पैटर्न का एनालिसिस करने का जो मेरा निचोड़ है वो हम अगली स्लाइड में डिस्कस करेंगे। ये देखिए कि अब आपने अपने लेवल को देख लिया और आपने ये भी देख लिया कि SSC में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तीन तरह के क्वेश्चन हैं और उन तीनों तरह के क्वेश्चन में आप समझ चुके हैं कि सबसे ज़्यादा महत्व किसका है, वोकैब का। तो अब अगर मैं मान रहा हूँ कि आप हिंदी बैकग्राउंड के हैं या मैं ये मान लूँ कि आप का वोकैब पोर्शन उतना स्ट्रांग नहीं है, तो इस आधार पर आपको अपनी रणनीति बनाने की आवश्यकता है। क्या करना चाहिए हमें, देखिए तीन पार्ट में हमें काम करने की ज़रूरत है। पहला पार्ट क्या है, गिव मैक्सिमम टाइम टू इम्प्रूव योर वोकैब लेवल। अपने वोकैब लेवल को इम्प्रूव करने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा समय देना है।
अब ये वोकैब लेवल इंप्रूव कैसे होगा, एंटोनिम सिनोनिम्स तो है ही है, इडियम एंड फ्रेजेज एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन तो है ही है, लेकिन सामान्य वर्ड्स उस पर आपको ज़्यादा काम करने की आवश्यकता है, तो सबसे ज़्यादा समय आपको इस पर देना है। देन न्यूज़पेपर रीडिंग एंड एनालिसिस, अगर आप इस पर काम करते हैं न्यूज़पेपर पे, तो आपका वोकैब सेक्शन भी इम्प्रूव हो रहा है, आपका ग्रामर सेक्शन भी इम्प्रूव होगा और सेंटेंस की समझ भी आपकी बढ़ेगी। और तीसरा जो आपको समय देना है वो टू नो द रूल्स ऑफ ग्रामर, माने ग्रामर के जो रूल हैं, अगर आप मान लीजिए अभी आप इंग्लिश तो जान रहे हैं लेकिन कभी आपने रूल के नज़रिए से इंग्लिश की चीज़ों को नहीं देखा है, तो एक बार आप रूल को गो थ्रू होइए कि इंग्लिश में किस किस तरीके से ग्रामर के रूल हैं, कैसे उसको इम्प्लीमेंट करना है, यानी एक बार तो पहले रूल सीखना है और सेकेंड स्टेप पर उसको इम्प्लीमेंट करना भी सीखना है। तो ये तीन पार्ट में आपको काम करने की आवश्यकता है, सबसे ज़्यादा फोकस वोकैब और रीडिंग वाले सेक्शन पे एंड देन ग्रामर से रिलेटेड पॉइंट पे। अब चौथा जो सबसे पॉइंट महत्वपूर्ण है हमारा, स्टेप फोर में हम आए, देखिए स्टेप वाइज हम चल रहे हैं, इस चीज़ को आप समझिएगा। सबसे पहले आपने अपने लेवल को देखा है, फिर दूसरे लेवल पर आपने देखा कि एसएससी में किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं और उसके एनालिसिस पे आपने ये निर्णय लिया या ये चीज़ आप समझ पाएँ कि वोकैब और रीडिंग वाला सेक्शन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इन कंपेरिजन टू ग्रामर वाले सेगमेंट पे, और उस हिसाब से हमें काम करने की आवश्यकता है। लेकिन फिर भी आप, हर व्यक्ति अलग है, हो सकता है आपका ग्रामर सेक्शन ही ज़्यादा कमज़ोर हो, वोकैब और रीडिंग सेक्शन आपके ठीक हो, तो आप वहाँ मेहनत करिए, ये पर्सन टू पर्सन डिफर करेगा। हम एक ओवरऑल एनालिसिस चीज़ों का लेकर के चल रहे हैं। अब स्टेप फोर में क्या करना है हमें, डू रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, माने रेगुलर प्रैक्टिस करनी है जो पिछले साल क्वेश्चन आए हैं। क्यों? क्योंकि अंततः गुत्ता देना आपको एग्जाम ही है, इंग्लिश जो आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं या कोई भी काम कर रहे हैं उसका अंतिम उद्देश्य है एग्जाम में सफल होना, तो इसलिए एग्जाम के क्वेश्चन को रेगुलर करने से आपके अंदर एक कॉम्पिटिटिव अप्रोच पैदा होगी, एक समझ पैदा होगी कि आप जब भी इंग्लिश में पढ़ेंगे, देखिए बहुत तरीके से इंग्लिश को पढ़ा जा सकता है, लेकिन जब आप पेपर लगातार सॉल्व करते रहेंगे तो जब भी आप इंग्लिश में कहीं कोई चीज़ देखेंगे तो तुरंत आपके माइंड में आएगा कि ये चीज़ हमारे एग्जाम के हिसाब से रिलेवेंट है या नहीं है, इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। तो ये रेगुलर प्रैक्टिस लास्ट ईयर के जो क्वेश्चन हैं फोर्थ पॉइंट पे आकर के उसको आप करिए, थोड़े थोड़े जो जितना पढ़ते जाइए उतना उनकी प्रैक्टिस डेली, थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस, बहुत ज़्यादा नहीं तो थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस उसको करते रहिए। और इसको एक एग्जाम्पल से भी आप समझने की कोशिश करिए, मान लीजिए दो अलग अलग स्टूडेंट्स हैं, एक स्टूडेंट के पास वोकैब का अच्छा कलेक्शन है, ग्रामर के रूल का अच्छा कलेक्शन है, रीडिंग भी काफ़ी कर रहा है, और दूसरी तरफ दूसरा स्टूडेंट है जिसके पास पहले वाले की तुलना में वोकैब, ग्रामर के रूल और रीडिंग ये काम वो कम करता है, तो अगर ये दोनों ही लोग प्रैक्टिस करेंगे तो किसका रिजल्ट ज़्यादा बेहतर आएगा? जाहिर सी बात है इसका वोकैब का कलेक्शन अच्छा है, इसका ग्रामर का कलेक्शन अच्छा है, जिसने ज़्यादा रीडिंग की हुई है वो प्रैक्टिस करने पे ज़्यादा बेनिफिट दे पाएगा। तो इस चीज़ को भी हमें समझना है कि इसे दो पार्ट में आपको देखने की आवश्यकता है, पहले तो आप अपने बेस को स्ट्रांग करिए, देन आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस पे जाइए। अगर आप केवल प्रैक्टिस कर रहे हैं और आपका बेस स्ट्रांग नहीं है, इस चीज़ को समझना है, अगर आपका बेस स्ट्रांग नहीं है और आप केवल प्रैक्टिस करेंगे तो हो सकता है उतने बेहतर परिणाम आप न दे पाएं, लेकिन हाँ अगर आपका बेस स्ट्रांग है और फिर आप प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली आपका रिजल्ट अच्छा होगा। तो पहले ये डिसाइड और समझने की ज़रूरत है कि हमारा बेस क्या है, बेस स्ट्रांग है कि नहीं है, नहीं है तो बेस स्ट्रांग करना है, कैसे करना है ये मैंने प्रीवियस स्लाइड में आपके साथ डिस्कस किया है। देन फिर इस पार्ट पे आना है कि अगर हमारा बेस स्ट्रांग हो गया तो हम फिर अधिक से अधिक प्रैक्टिस करें ताकि हमारी चीज़ें और ज़्यादा निखर करके आएँ। जैसे आपने सुना ही होगा कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, तो प्रैक्टिस हमें कहीं ना कहीं हमारी चीज़ों को ज़्यादा बेहतर बनाती है, हमारे अंदर जो कुछ कमियां हैं उसको और ज़्यादा दूर करके हमें निखारती है। नेक्स्ट स्टेप पे चलें, नेक्स्ट स्टेप सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो इसलिए क्योंकि मैं कई बार देखता हूँ स्टूडेंट्स कई जगह उन्होंने कोचिंग कर ली है, ऑफलाइन ऑनलाइन यूट्यूब से भी पढ़ रहे हैं, तमाम जगह उन्होंने एक बड़ा अच्छा प्लान भी बना लिया है और सारी चीज़ें जान गए, सर्वज्ञ हो गए हैं, सब कुछ उनको पता है, लेकिन फिर भी
आपके पास जानकारी कितनी भी क्यों ना हो, लेकिन अगर उस जानकारी का आप इम्प्लीमेंटेशन सही तरीके से नहीं कर पाएंगे तो यकीन मानिए आप सफल नहीं हो सकते हैं। तो जो सबसे स्टेप 5 सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आपने अपने लेवल को आंक लिया, एसएससी में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं उसको आंक लिया, उस आधार पर किस पे फोकस करना है, कैसे रणनीति बनानी है उसको आपने जान लिया, प्रैक्टिस का भी जान लिया, और इसके आधार पर आपने अपना एक चार्ट बनाया, एक प्लान बना लिया कि भाई ये है, इतना समय हमें इंग्लिश को देना है। लेकिन जो आपने डिसाइड किया, क्या वास्तव में आप उतना समय दे पा रहे हैं इसके लिए, जैसे मैंने बताया ना प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन, कि जो आपने सीखा है उसको आप सही तरीके से इंप्लीमेंट करिए, जो आपने प्लान बनाया हुआ है, सेल्फ एनालिसिस, अपना एनालिसिस करिए, और सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है रेगुलर मॉनिटरिंग। माने हमने जो प्लान बनाया उसकी एक रेगुलर मॉनिटरिंग जरूरी है। माने आप ये देखिए कि क्या जो आपने रणनीति बनाई है उस रणनीति को आप फॉलो कर रहे हैं। कई बार ऐसा होता है स्टूडेंट एक प्लान बनाता है, 10 दिन बाद वो प्लान भूल जाता है, कुछ और करने लगता है। एक बुक्स लेकर के आया, किसी ने बताया कि ये किताब पढ़ो या इनका जो है वीडियो देखो, वीडियो देखना शुरू किया, 10, 12, 20 दिन किसी वीडियो को देखा, किसी और ने सलाह दे दी कि नहीं इनका नहीं उनका वीडियो देखो, तो उसको छोड़ के दूसरे का वीडियो देखने लगता है। तो ये पहले एक सेल्फ एनालिसिस आप करिए कि भाई क्या आपका लेवल है, किसकी लैंग्वेज आपको समझ में आ रही है, कहाँ से आपको गाइडेंस लेना है। ये सारी चीज़ें डिसाइड करने के बाद जो आपने प्लान बनाया है अपने प्लान पे टिके रहना है, और हमारी चीज़ें सही जा रही हैं कि नहीं जा रही हैं उसका एक रेगुलर मॉनिटरिंग करने की आवश्यकता है। एक बेसिक एग्जाम्पल से मैं इस चीज़ को आपको समझाने की कोशिश करूँगा। जैसे उदाहरण के तौर पर, अगर आप अपने घर में, सभी के घर में हमारे दीवार घड़ी होगी, जब हम दीवार घड़ी को देखते हैं तो कैसे हमें ये पता चलता है कि ये घड़ी चल रही है? जाहिर सी बात है, जब आप घड़ी पर निगाह डालेंगे तो उसमें घंटे की भी सुई है, मिनट की भी सुई है, और सेकंड की भी सुई है। और जब आप निगाह डालते हैं तो हमें सेकंड वाली सुई चलती हुई दिखाई देती है, घंटे और मिनट वाली सुई हमें चलते हुए नहीं दिखाई देती। तो ज्यों ही हम देखते हैं कि सेकंड वाली सुई चल रही है तो हमें यह विश्वास हो जाता है कि हमारी घड़ी चल रही है। यानी अगर सेकेंड वाली सुई चल रही है तो मिनट वाली भी चल रही होगी, घंटे वाली भी चलेगी, और घंटा बीतेगा तो दिन भी बीतेगा, सप्ताह भी बीतेगा, और साल भी बीतेगा। अब इसका हमें उल्टा सोचना है कि अगर हमने ये प्लान बनाया है कि एसएससी की इंग्लिश हमें 6 महीनों में तैयार करनी है या साल भर में तैयार करनी, आपने एक प्लान बना लिया कि 2024 का एसएससी का एग्जाम हमें निकालना है या 2023 का सीएचएसएल का एग्जाम आपने निकालना है, तो आपने एक प्लान बनाया। तो अब उल्टा सोचिए कि अगर आप 6 महीने में कोई चीज़ बेहतर करना चाहते हैं, 6 मंथ में अपनी चीज़ों को इम्प्रूव करना चाह रहे हैं, तो 6 मंथ में चीज़ें आपकी बेहतर कब होंगी? जब आपका हर महीना बेहतर होगा। और हर महीने में आपकी चीज़ें बेहतर कब होंगी? जब आपका हर वीक बेहतर होगा। हर वीक में आपकी चीज़ें कब बेहतर होंगी? जब आपका हर दिन बेहतर होगा। और हर दिन में आपकी चीज़ें कब बेहतर होंगी? जब हर घंटा आपका बेहतर होगा, हर मिनट आपका बेहतर होगा। और हर मिनट आपका बेहतर कब होगा? जब आपका हर सेकंड बेहतर होगा। तो इस चीज़ को समझना है कि हमारी जो समस्याएं हैं वो बड़ी चीज़ों में नहीं, छोटी चीज़ों में है। हर सेकंड जो आप डिसीजन ले रहे हैं, जो आपने प्लान बनाया है उसका एग्जीक्यूशन सेकंड में लिए गए निर्णय से होगा। आपने जो स्ट्रेटजी बनाई है 10 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट्स, 1 घंटे जो पढ़ने हैं, वो सेकंड डिसाइड करेगा कि आप छोटी छोटी चीज़ों पर कितना काम कर रहे हैं। और अगर आप उन छोटी छोटी चीज़ों पर काम करना शुरू कर देंगे तो आप देखेंगे कि आपको रिजल्ट मिलने लगे हैं। बहुत सारे लोग बहुत बड़े बड़े प्लान, प्रोजेक्ट, इन सब की बात करते हैं, कोई इनसे सलाह ले रहे हैं, उनसे गाइडेंस ले रहे हैं, लेकिन इन छोटी बारीकियों पर काम नहीं कर पाते हैं। तो अपने डे टू डे एक्शन को मॉनिटर करिए कि डेली आप क्या कर रहे हैं, जो आपने रणनीति बनाई है उसके हिसाब से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर आप इस चीज़ को मॉनिटर करेंगे तो डेफिनेटली आप रिजल्ट देंगे। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि हाउ कैन ड्रीम सेपर्स हेल्प यू। अगर मान लीजिए आपकी इंग्लिश बेहतर नहीं है, अभी आप इंग्लिश में नए हैं, हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से हैं या CBSE बोर्ड, ICSE बोर्ड से हैं, लेकिन फिर भी आपकी इंग्लिश उतनी बेहतर नहीं है, या आप मेहनत करने के बावजूद भी इंग्लिश में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे हैं, तो हमारे स्तर से आपकी कैसे मदद हो सकती है? तो इसके लिए हम अलग अलग प्लान लेकर के आ रहे हैं। जैसे हम बात करें अगर एकदम फ्रेशर्स बच्चे स्टूडेंट्स की, जो स्टूडेंट एकदम नए हैं किसी भी बैकग्राउंड से हो, वो उनके लिए क्या है, तो उनके लिए हम एक पूरा
कंप्लीट इंग्लिश का बैच लेकर के आ रहे हैं, जिसको अगर वो करते हैं तो उनको एकदम जीरो से लेकर के, एकदम बेसिक से लेकर के और एडवांस तक उनकी चीज़ों को सिखाए, उसमें चीज़ें सिखाई जाएंगी, ताकि आप ओवरऑल कंप्लीटली एसएससी का एग्ज़ाम देने के लिए तैयार हो सकें। सेकेंड स्टेप पे जो स्टूडेंट्स नए हैं या जो ऑलरेडी कहीं क्लासेज कर चुके हैं फिर भी इंग्लिश में बेहतर नहीं कर पा रहे हैं, न्यूज़पेपर रीडिंग प्लस वोकैब बिल्डिंग का हमारा सेगमेंट है, जिसकी क्लासेस हम लोग 19 जून से स्टार्ट करने वाले हैं और हर मॉर्निंग में आपको सुबह 1 से 1.5 घंटे की न्यूज़पेपर रीडिंग और एनालिसिस की क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलेगी, जिसको आप करके ग्रामर के रूल कैसे उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, वोकैब से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, सेंटेंस कंस्ट्रक्शन, स्ट्रक्चर एनालिसिस, सिंपल सेंटेंस एनालिसिस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एनालिसिस, पूरी ओवरऑल आपकी चीज़ें, इंग्लिश की सारी समस्याओं का समाधान हम उस न्यूज़पेपर रीडिंग एंड एनालिसिस की क्लास के माध्यम से करने का प्रयास करेंगे। तो वो एक सेगमेंट आपके लिए है जहाँ पे आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं हमारे साथ और डे टू डे बेसिस पे आप अपना वोकैब, अपनी ग्रामर और अपना कॉम्प्रिहेंशन लेवल इम्प्रूव कर सकते हैं। तीसरा, ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका जो अभी जैसे एग्ज़ाम होने वाला है सीजीएल और सीएचएसएल का, उनके लिए हम लोग प्रैक्टिस बैच लेकर के आ रहे हैं और मैं इंग्लिश के 25 क्वेश्चन के पिछले सालों के सारे क्वेश्चंस का एनालिसिस करके हमने कुछ सेट तैयार किए हुए हैं और उन सेट के आधार पर हम अलग अलग टेक्निक आपको सिखाने की कोशिश करेंगे ताकि कम समय में आप बेहतर परफॉर्मेंस दे पाएँ। फोर्थ, जैसा कि अभी सीजीएल और सीएचएसएल का एग्ज़ाम प्रपोज्ड है तो उस चीज़ों को ध्यान में रख करके कुछ ऐसे पॉइंट हैं जहां पे स्टूडेंट को ज़्यादा दिक्कत होती है और जहां पर हमारी मदद से आपका परफॉर्मेंस बेहतर हो सकता है, तो ऐसे कुछ पॉइंट टॉपिक्स हमने सेलेक्ट किए हैं और उस पर हम मैराथन क्लास लेके आ रहे हैं। यकीन मानिए ये मैराथन क्लास आपका उस टॉपिक से, जैसे PQRS से रिलेटेड टॉपिक है, पैसे से रिलेटेड टॉपिक है, क्लोजर से रिलेटेड टॉपिक है, ग्रामर के कुछ पार्ट हैं, एक्टिव पैसिव डायरेक्ट एंड डायरेक्ट से रिलेटेड टॉपिक है, इस पे जो हमारी मैराथन क्लासेस हैं वो एक क्लास ही आपको एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा मददगार और हेल्पफुल साबित होने वाली है। तो बाकी चीज़ें हम डे टू बेसिस पे आपके साथ डिस्कस करते रहेंगे। आज की क्लास में हम सेशन को यहीं समाप्त करते हैं और इन्हीं आशाओं के साथ कि आपका आने वाला समय आपके लिए बेहतर साबित होगा और आप जिस उम्मीद को लेकर के आए हुए हैं उस परीक्षा में सफलता के नए प्रतिमान स्थापित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि हमारा यह प्रयास आपके सभी साथियों तक पहुंच पाए। धन्यवाद।